हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तब देता हूँ जब उस तरह के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका होता हूँ आपको। तो बस मेरे को उसका आंसर बताना होता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि उसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्या है। लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं करते, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखते नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए थे। देखिए, इसमें दो तरह की आपकी सीरीज़ हैं। एक तो है आपकी 1 + 3 × 5 और अल्टरनेटिव है, उसके बाद रिपीट हो रही है 1 × 4 वाली। टोटल 20 टर्म्स तक पूछा हुआ है, तो 10 टर्म्स तक ऊपर वाली टर्म निकाल लो और 10 टर्म तक नीचे वाली सीरीज़ का आपको सम निकालना है। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे ये वाली सीरीज़ का सम आपको 10 टर्म तक निकालना है। ये 10 टर्म तक निकालने के लिए मुझे 10वीं टर्म भी पता होनी चाहिए। वो कैसे निकलेगी? इसकी पहली टर्म आपकी 1 है, डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस है, तो tn से ये इसकी टर्म निकल गई आपकी a + n - 1 × d। ऐसे ही आपका जो नीचे वाला है इसके लिए भी आपकी 10th टर्म आप निकाल लो, a + n - 1 × d। ठीक है, ये करने के बाद आपको vn सीरीज़ लगानी है। ठीक है, vn सीरीज़ भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपने किसी ने नहीं देखी है। अगर नया सब्सक्राइबर है तो बिल्कुल डिटेल में इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं और एग्ज़ाम में आपको कैसे सोल्व करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, 1 3 5, 3 में से एक गया 2, और डिफरेंस इनका 3 में से एक गया 2। ब्रैकेट में पहली 2 टर्म माइनस के लास्ट की 2 टर्म, ये ट्रिक होता है। उसके बाद ऐसे ही ये वाली टर्म के लिए आपको वी एन सीरीज़ लगानी है। तो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल कितने, 1 × 4 2 है, 2 में से बन गया 1। डिफरेंस कितना है, 4 में से बन गया 3, तो ये 3 लिख दिया हमने। उसके बाद पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये लिख दिया। उसके बाद बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको ये पूरा इसको सोल्व नहीं करना है, 163 31 × 3 की मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व नहीं करना है। ठीक है, इसका सीधा सा ट्रिक है, जो 31 का मल्टीपल होगा या फिर 161 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी इनमें से जो भी आपका 31 का मल्टीपल होगा सीधा वही आंसर होगा डिनोमिनेटर में। ये भी 31 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बी इसका आंसर हो गया। प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये यहाँ पर देखिए, मेरे चैनल है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में ये अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री सीरीज़ है। ठीक है, इसकी ये 3 वीडियोस हैं, तीनों वीडियोस में मैंने बहुत बेस्ट करवाया आपको, काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे इस चैनल को, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।